हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की तरफ से प्रोजेक्ट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं, जहां पे सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कम्प्लीटली एलिजिबल हैं। सैलरी आपको बहुत अच्छी 55,000 रुपीज़ पर मंथ मिल जाएगी। एक बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए, तो जो लोग इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे रेगुलर जॉब अपडेट्स मिल जाती हैं। इसी के अलावा फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में काम कैसे होता है उससे रिलेटेड मैं आप सबके लिए वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। इसी के अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी CV को रिव्यू करूँ, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल ID है, वहाँ पर आप मुझे अपनी CV भी भेज सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, आप रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अप्लाई करने का सबका लिंक मिल जाएगा। इसी के अलावा आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपसे रेगुलर बेसिस पे एक सवाल पूछते हैं। हमारा आज का सवाल है कि जो आखिर माइका होती है, उसकी थिकनेस क्या होती है? जिसको इसका सही जवाब पता है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और उसका सही जवाब हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दिस इज कमिंग फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद यूनिट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये PSU आती है। बेसिकली एक नौरत्न PSU है। यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। साइट प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे रहने वाली है। पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, एज लिमिट 30 ईयर्स, लोकेशन अम्बाला हरियाणा, जोधपुर, सलुआ, मिमुराओ। इसी के अलावा पोर्ट ब्लेयर रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट 5, रिजर्वेशन जनरल के लिए 2, OBC और NCL के लिए 2 वैकेंसी, SC के लिए 1 वैकेंसी है। मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का मांग लिया गया है। सैलरी फर्स्ट ईयर 40,000, नेक्स्ट ईयर 45, थर्ड ईयर 50 और फोर्थ ईयर 55,000 रुपीज़ रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, एज लिमिट 32 ईयर्स। यहाँ पे लोकेशन आपकी जोधपुर, राजस्थान, सलुआ, शिलोंग रहने वाली है। पोस्ट 4 जनरल के लिए 3 वैकेंसी, SC के लिए 1, एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स, सैलरी स्ट्रक्चर सेम है। इसी के अलावा मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स रख दी गई है। अगर रिजर्वेशन है तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सैलरी फर्स्ट ईयर आपको 40,000, बेसिकली आपका 4 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 3 साल का रहेगा, इसे बढ़ा के अप टू 4 ईयर्स का कर दिया जाएगा। इसी के अलावा आपको एरिया अलाउंस 10% का मिल जाएगा। इसी के अलावा 12,000 आपको जो भी आपके फुटवेयर हैं, स्टिचिंग क्लोथिंग अलाउंस है, वो मिल जाएगा। पे यहाँ पे रिवाइज हुआ है, अर्लियर ही 10,000 मिलता था, अब 12,000 मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन BE/BTECH 4 साल का मांग लिया गया है अपने ही डिसिप्लिन में। ध्यान रखने वाली बात यह है, सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ही कंसीडर होगा, टीचिंग एकेडमिक अप्रेंटिस कंसीडर नहीं की जाएगी। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिविल के बारे में, तो आपको यहाँ पे अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। MB कैसे बनाते हैं, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, क्वालिटी, इसी के अलावा आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। रिपेयरिंग एंड चेकिंग बार बिल्डिंग शेड्यूल BBS पता होना चाहिए। मॉनिटरिंग ऑफ सिविल वर्क्स एज पर IS कोड्स, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स एज पर CBWD एंड BEL स्टैंडर्ड्स। इसी के अलावा स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी के अलावा प्रिपेयर मॉनिटरिंग रिकॉर्ड माइक्रोवेबल पे आपको चीज़ें यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ले देखे जो काम होता है वो सब होना चाहिए। इसी के अलावा MQR मंथली क्वालिटी रिपोर्ट आपको यहाँ पर बनानी आनी चाहिए, कुछ सब डॉक्यूमेंट्स ही हैं। इसी के अलावा QAP लाइसेंसिंग के हिसाब से FAT, PSI और SAT की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जो सिविल वर्क्स में होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पे आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपका एक इंटरव्यू रहने वाला है। 85% मार्क्स लिए जाएंगे आपके जो आपने टेस्ट में स्कोर किया है, बाकी 15% लिया जाएगा जो कि आपने अपने इंटरव्यू में स्कोर किया है, ठीक है। टेस्ट आपका 90 मिनट्स का रहेगा और यहाँ पे आपको 1:50 के रेशियो में बुलाया जाएगा। टेस्ट सेंटर कोलकाता रहेगा। अप्लाई करने के लिए इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है, जो कि आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 400 रुपये प्लस GST रखी गई है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आप लोग फीस यहाँ पे भरने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये इसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन है।
फॉर्म भरना आप स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट यहाँ पे 25/2/2023 रखी गई है। इसी के अलावा जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है मार्च के महीने में होना निर्धारित हुआ है। बाकी अप्लाई करने के लिए इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है जो कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो लोग चाहते हैं सुना इस पॉसिबल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।